वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का गोरेश्वर में पदाधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह हाल खचाखच भरा है और बाहर भी लोग खड़े हैं, अंदर नहीं आ पाए। आज जो मुख्य विषय है वो बाढ़ का मुद्दा है और इविक्शन का मुद्दा है। आसाम सरकार ने एक रणनीति बनाई है कि मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं की ज़मीन कब्जा कर ली जाए, महंगाई बढ़ा दी जाए, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए में कर दिया जाए, डीजल पेट्रोल 100 के ऊपर पहुंचा दिया जाए और उनकी जेब से पैसे खींचे जाएं, उनकी जेब काटी जाए और वो बोलें इसलिए नहीं कि मुसलमानों का खतरा दिखाया जाए। तो ये बात के खिलाफ आज रेजोल्यूशन पास होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की डर दिखा के हिंदुओं की ज़मीन कब्जा करना और उनकी जेब काटना बंद करे, एक प्रस्ताव होगा। दूसरी बात ये कि जो इविक्शन किया जा रहा है सरकारी ज़मीन के नाम पर, आखिर सरकार तो जनता की होती है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो जब जनता की ही ज़मीन है तो जनता की ज़मीन है, जनता की सरकार क्यों लेगी? या तो इनको ज़मीन दूसरी दो, उनको मकान बना के दो, जैसे बंबई में होता है, दिल्ली में होता है, लोगों को जब खाली करा जाता तो मकान बना के सरकार देती है, ऐसा असम वालों को भी करो। अगर ऐसा करो तो ठीक, अगर ऐसा नहीं करोगे, पुलिस के डर के मारे आप भगाओगे, तो आज ये प्रस्ताव पारित होगा कि इविक्शन के खिलाफ इविक्शन का पूरा प्रोजेक्ट रोका जाए। अगर इविक्शन होता है तो वोटर्स पार्टी के लोग कुर्बानी देने के लिए मौके पर पहुंचेंगे और मर जाएंगे, वहीं मरेंगे, लेकिन इविक्शन होने नहीं देंगे। हमारी लास्ट पर इविक्शन हो सकता है। यहाँ के जो बोड़ो हैं, यहाँ का जो मुसलमान है, यहाँ का आदिवासी है, आप इनको गरीब समझ के, कमज़ोर समझ के, इनको गरीब समझ के, कमज़ोर समझ के, पुलिस की गोली बंदूक दिखा के, पुलिस की वर्दी दिखा के, डरा के उनकी ज़मीन कब्जा नहीं कर सकते, ये वोटर्स पार्टी होने नहीं देगी। आज इसका रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तीसरा रेजोल्यूशन और अंतिम रेजोल्यूशन ये होगा, आज ये पास किया जाएगा कि जो बाढ़ है, अभी अभी बाढ़ की समस्या से लोग बेचारे आसाम के लोग अभी भी निकले हैं, इनके सूअर मर गई, इनकी भैंस मर गई, इनकी गाय मर गई, इनकी बकरी मर गई, इनके पेड़ गिर गए, इनके मकान गिर गए, बांसों के मकान, मिट्टी के मकान होते थे, गिर गए, हर साल बनाते हैं, हर साल गिरता है। आसाम की सरकार और दिल्ली की सरकार एक ही पार्टी के है, भाजपा की। अब सरकार विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लेके आए के साहब, आसाम के बाढ़ की समस्या राष्ट्रीय आपदा है, नेशनल डिसास्टर, और नेशनल डिसास्टर एक्ट के तहत जो कार्यवाही करनी है वो सरकार करे और इनको मदद पहुंचाए राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत, और अगर ऐसा नहीं करे तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक ये जितने बाढ़ प्रभावित आदमी हैं उनके खाते में 8000 रुपया वोटरशिप की रकम भेजे, तत्काल भेजे, जिससे वो अपने पैसे से वो माइग्रेशन कर सके, दूसरे जगह जाके 4 महीने 6 महीने बस सके, रह सके, अपने जानवर उठा के ले जा सके, फिर जानवरों को वापस ला सके, अपने मकान को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, सरकार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। इन्हीं तीन मुद्दों पर आज ये सम्मेलन हो रहा है। बांग्लादेशी का इशू तो भारतीय जनता पार्टी यूं ही उठाती है, इसलिए कि आसाम के इशू हैं, बेरोजगारी के इशू क्यों नहीं उठाते? बांग्लादेशियों से बड़ी समस्या बेरोजगारी का इशू है, बांग्लादेशियों के से बड़ी समस्या महंगाई का इशू है। ये जो 300 का सिलेंडर बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया, ये इशू है, बांग्लादेशियों की इशू नहीं है, ठीक है? तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो जुल्म करती रहे, अत्याचार करती रहे और जेब में हाथ निकाल लेके पैसा खींचती रहे, और जब कोई क्या कर रहा हो क्या उधर देखो, बांग्लादेश की तरफ देखो, जेब की तरफ मत देखो। तो ये वोटर्स पार्टी वाले इतने समझदार हैं कि दलाल पार्टियों की बदमाशी समझते हैं और जल्दी ही इनका इलाज करेंगे, बहुत जल्दी। आगे क्या देखिए, वोटर्स पार्टी आंदोलन पहले भी कर रही है, अभी हमने विधानसभा घेरी थी, आसाम पुलिस ने हमारे सारे पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया रात में 2 बजे गिरफ्तार करने के बाद भी जनता पहुंच गई विधानसभा पे, नहीं रोक पाए, क्योंकि हमारी पार्टी नेताओं से चलती नहीं। हाँ, हर आदमी नेता है, सब नेता हैं यहाँ, किसी के बंद कर लो नेता,
नेता को जेल में डाल दो, नेता को मुकदमा कर दो, नेता चला जाए, नेता को पैसा दे के ले जाओ, खरीद ले जाओ, यहाँ तो सब तैयार हैं, जाओ। यहाँ जनता खुद ही काम कर लेती है। अभी विधानसभा पर प्रदर्शन हुआ, चांगसारी अभी मानव श्रृंखला 40 किलोमीटर बनाने की तय हुई थी, पुलिस ने नहीं बनाने दिया तो सब ने गिरफ्तारी दी, पूरी चांगसारी पुलिस स्टेशन जाम हो गई, हाईवे पर लंबी जाम लग गई और फिर बाहर इंतजाम करना पड़ा। आप जानते हैं वोटर्स पार्टी महंगाई के मुद्दे पर, वोटरशिप अधिकार के मुद्दे पर, इविक्शन के मुद्दे पर लड़ रही है। रह गई बांग्लादेशी का मामला, आपने तो NRC पर सर्वे कर लिया, अब NRC पर लागू करो ना उसको, तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं लागू करते हो? लागू तो तुम्हारी सरकार है ना, लागू करो। स्टेट में तुम हो, सेंटर में तुम हो, आसाम का 30 साल तुमने बर्बाद किया, 30 साल उम्र आसाम की घट गई, तुमने आसाम की उम्र 30 साल घटा दी NRC के चक्कर में। अब NRC का रजिस्टर है, लागू करो, तुम मुख्यमंत्री, तुम प्रधानमंत्री, लागू करो, हमें जो करना होगा हम करेंगे। हम तो दक्षिण एशियाई सरकार बनाएंगे, सबको नागरिकता दे देंगे, जो NRC के रजिस्टर में जिनके नाम रखोगे वो आसाम में रहेंगे और जो NRC का रजिस्टर में नाम नहीं आएंगे वो दक्षिण एशिया के नागरिक बना देंगे। हम तो मानवतावादी हैं, दोनों का इंतजाम करेंगे।